आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए और कंप्यूटर में एक अच्छी कमांड बन जाए। तो चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बैबेज। इनमें से कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर है जो चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया था? तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, एनालिटिकल इंजन। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। तो अब आप आंसर दे पाएंगे, राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, चार्ल्स बैबेज, और यही हमारे कंप्यूटर के फादर भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी जनरेशंस आ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। हम कितने जनरेशंस में कंप्यूटर को क्लासिफाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, फिफ्थ, पांच जनरेशन में हम कंप्यूटर को बांट सकते हैं। द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, कंप्यूटर साइज किसमें बहुत ज्यादा लार्ज था? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था, हम इसे कहीं ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट कौन सा था इनमें से? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, वैक्यूम ट्यूब्स। व्हाट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड इनमें से कौन सा था? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, 1946 से 1959। जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसमें हमेशा स्टूडेंट को कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि आप जितने बुक में देखेंगे, जितने वेबसाइट्स में देखेंगे, हमेशा आपको अलग अलग आंसर मिलते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, हम लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड क्या था? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, मिली सेकेंड्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनमें से फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, एडसैक, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, विच इज यूज्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे यूज किया गया था इनमें से? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, मशीन लैंग्वेज को। इन विच जनरेशन बैच प्रोसेसिंग वॉज मेनली यूज्ड, बैच प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा मुख्य रूप से जिसे आप कह सकते हैं किस जनरेशन में यूज किया गया था? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग का मेनली यूज्ड हुआ था। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या था? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, 1959 से 1965। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का हम किसका यूज करके बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था। किसमें? सेकेंड जनरेशन में। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड कितना था? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, माइक्रो सेकेंड्स। वॉट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या था? तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर,
1965 से 1971 थर्ड जनरेशन था। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिड कम इनटू एग्जिस्टेंस, किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था और वो एग्जिस्टेंस में आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आया था। हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी? इंटीग्रेटेड सर्किट को हम शॉर्ट में आईसी भी कहते हैं, और बनाने वाला कौन है इनमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, जैक किल्बी ने बनाया था किसे, इंटीग्रेटेड सर्किट को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी, इनमें से कौन सा आईसी का सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है, तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, इट्स एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी। ठीक है, द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का ऑपरेटिंग स्पीड क्या था, तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, नैनो सेकेंड्स। इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर बिल्ट, किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। फाइंड और चूज द नेम ऑफ जनरेशन इन विच माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, फोर्थ जनरेशन में। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या था, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, 1971 से 1980 फोर्थ जनरेशन था, और इसके बाद अब तक हम फिफ्थ जनरेशन में है, ये भी आपको याद रखना है। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को बनाने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज किया गया था, तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, VLSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आपको याद रखना है, तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये होता है VLSI का फुल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा सबसे पावरफुल टाइप का कंप्यूटर है, तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, सुपर कंप्यूटर। द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वॉज, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का ऑपरेटिंग स्पीड क्या था, वो जो भी हम उसे कैलकुलेशन करने के लिए देते थे तो वो हमें कितने टाइम में देता था, तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, पीको सेकेंड। ठीक है, हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बनाने वाले का नाम क्या है, किन्होंने बनाया था, तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, सीमोर क्रे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, और उसका नाम था बी नंबर, परम। जो सुपर कंप्यूटर बना था फर्स्ट, उसका नाम था परम, और बनाने वाले का नाम था सीमोर क्रे, ये दोनों आपको याद रखना है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट में किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर किस पे बेस्ड है, तो राइट आंसर होगा बी नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज किया जा रहा है, किया गया है, तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप जान लीजिए, यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर,
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वॉट डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर्स? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में ऐसा क्या है, क्या डिफरेंस है अदर जनरेशन के कंप्यूटर से? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यानी कि जो हम फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो अदर जनरेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर्स हैड एक्सपेंसिव ऑपरेशन कॉस्ट? इनमें से किस जनरेशन का कंप्यूटर है या था जिसका ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत एक्सपेंसिव था? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, फर्स्ट जनरेशन का। When was the world's first laptop computer introduced in the market and by whom? इस क्वेश्चन में आपको दो चीज बताना है। फर्स्ट आपको ये बताना है कि जो वर्ल्ड्स का फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और कब किया गया था। तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, एप्सन के द्वारा किया गया था 1981 में। HLL stands for, HLL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, हाई लेवल लैंग्वेज। MSI stands for, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? A, B, C और D। राइट आंसर होगा हमारा D नंबर, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। Which of the following is still useful for adding numbers? इनमें से कौन सा अभी नंबर्स को ऐड करने के लिए यूजफुल है? तो राइट आंसर होगा D नंबर, abacus। Which computers are used in banking, railways and airlines? इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो बैंक, रेलवे और एयरलाइंस में यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा D नंबर, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स। Which of the following are the two types of monitors? इनमें से मॉनिटर का कौन सा दो टाइप है? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, CRT एंड LCD। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि इसका पूरा नाम क्या है, तो हम ये भी आपको बता देते हैं क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म आता ही आता है। तो CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब और LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हमने लिख भी दिया है ताकि आप याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। कैथोड रे ट्यूब इज अ फॉर्म ऑफ माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर मदरबोर्ड। कैथोड रे ट्यूब इनमें से किसका फॉर्म है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, मॉनिटर। ठीक है। When was the vacuum tube is invented? वैक्यूम ट्यूब को कब बनाया गया था? तो राइट आंसर होगा सी नंबर, 1904 में। ENIAC कंप्यूटर बिलोंग्स टू, ENIAC कंप्यूटर किस जनरेशन से बिलोंग करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। कौन? ENIAC। ENIAC स्टैंड्स फॉर, ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर होगा डी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पूरा नाम है, इतना लंबा है इसीलिए बोलने में डिफ़िकल्टीज होती है, इसीलिए हम शॉर्ट में ENIAC कहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ENIAC स्टैंड्स फॉर, फिर आप ENIAC का भी फुल फॉर्म जान लीजिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन से राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है फोरट्रान स्टैंड्स फॉर, फोरट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया? इंडिया में फर्स्ट कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया था? वेयर है, ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। और किस ईयर में किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी
कंबाइंड एक साथ पूछा जाता है कि कहाँ पे किया गया था और किस ईयर में किया गया था। तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर 1955 में। तो आप दोनों को याद रखिएगा। एडवैक स्टैंड्स फॉर EDVAC, जिसे हम कहते हैं एडवैक, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एक कंप्यूटर का नाम है। तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। व्हाट डज CISC स्टैंड्स फॉर? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड? पंच कार्ड को किसने बनाया था? तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, हरमन होलेरिथ। विच वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर? इनमें से कौन सा फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, फेरेंटी मार्क वन। क्या नाम था? फेरेंटी मार्क वन। अ कंप्यूटर कंटेन, एक कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, होता है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम CPU कहते हैं शॉर्ट में, इनपुट और आउटपुट और मेमोरी, ये सभी चीजें एक कंप्यूटर में होती है। सिलेक्ट द थ्री डिसीजंस मेकिंग एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ALU ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ALU द्वारा तीन ऐसे कौन से डिसीजन मेकिंग एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोस में बताया भी है। चलिए यहाँ पे भी रिपीट कर देते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक और लॉजिकल यूनिट। तो तीन डिसीजन ALU के द्वारा कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं? तो इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये तीनों। जैसे कि नाम से ही इसके पता चलता है, अर्थमेटिक यानी कि जितने भी कैलकुलेशंस वगैरह हम मैथमेटिक के परफॉर्म करते हैं, इसी के द्वारा कर पाते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दैट यूज्ड CD-ROM फॉर द फर्स्ट टाइम? CD-ROM फर्स्ट टाइम किस जनरेशन का कंप्यूटर यूज किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, फिफ्थ जनरेशन। और CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप कमेंट में लिख के जरूर बताएंगे, हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने एक सेपरेट फुल फॉर्म पे वीडियो बनाया है जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड 70+ फुल फॉर्म बताए हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख लीजिएगा। और कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखना ना भूले, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। CD-ROM क्या होता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं है। अ हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? रिजम्बल डिजिटल कंप्यूटर्स, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर्स के जैसा दिखता है, रिजम्बल्स एनालॉग कंप्यूटर, या फिर रिजम्बल्स बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा सी नंबर होगा, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के जैसा दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप इन द मॉडर्न फॉर्म? वर्ल्ड का फर्स्ट लैपटॉप कौन सा है मॉडर्न फॉर्म में? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, तोशिबा 1100। वॉट डज अ कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम? इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में एक समय में कन्वर्ट कर देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, कंपाइलर। इन विच ईयर वर चिप्स यूज्ड इनसाइड द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम? किस ईयर में चिप को फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में यूज किया गया था, फर्स्ट टाइम? तो राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, 1975 में। ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड फ्रॉम विच जनरेशन? किस जनरेशन से
ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था मार्केट में, डेवलप हो चुका था। तो राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, थर्ड जनरेशन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था। तो ये थे जनरेशन और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड MCQs। अब चलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपका कोई भी डाउट ना हो और आपको चीज़ें याद रह जाए। तो देखिए, कैलकुलेशन स्पीड ऑफ कंप्यूटर जनरेशन की कैलकुलेशन स्पीड की हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में था मिली सेकेंड, सेकेंड में था माइक्रो सेकेंड्स, थर्ड जनरेशन में था नैनो सेकेंड्स और फोर्थ में पिको सेकेंड्स। तो ये था कैलकुलेशन स्पीड। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आया था 1946 में, था 1959 तक, फिर 59 से 65 था सेकेंड जनरेशन, फिर 1965 से 1971 था थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन था 1971 से 1918 और 18 के बाद अब तक हम फिफ्थ जनरेशन में है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है हमारा टेक्नोलॉजी यूज इन कंप्यूटर्स जनरेशन। किस जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया था, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किए थे और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।